दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसी के साथ वजरेक्स जो इंडिया का एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ी भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर वजरेक्स के द्वारा कुछ स्टेबल कॉइन्स को डीलिस्ट किया जा रहा है। तो कौन से वो स्टेबल कॉइन्स है और क्या यहां पर होने वाला है, मतलब आपके फंड का यहां पर क्या होने वाला है, उनसे जुड़ी जो अपडेट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। वजरेक्स के द्वारा शेयर की गई है, वजरेक्स प्लान्स टू डीलिस्ट 3 स्टेबल कॉइन्स लेफ्ट ओवर बैलेंसेज will be auto converted to BUSD। जहां पर Vajrex ने अनाउंसमेंट किए कि वो 3 स्टेबल कॉइंस को यहां पर डीलिस्ट करने वाला है, और जो भी बैलेंस अगर यहां पर लेफ्ट रहता है, मतलब यहां पर कुछ टाइम इन्होंने दिया हुआ है, अगर उस टाइमिंग में आप यहां पर अपने फंड को विड्रॉल नहीं करते हैं तो जो फंड आपका होगा वो डायरेक्टली मतलब ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा BUSD में। मतलब वो जो अमाउंट होगा वो 1:1 के रेशियो में BUSD में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले अगर हम देखें, बाइनेंस ने भी यहां पर इसी प्रकार का जो मूवमेंट था उसके प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला था, जहां पर बाइनेंस के द्वारा भी कुछ कॉइंस को डीलिस्ट किया गया था, और डीलिस्ट करने के बाद अगर वहां पर बैलेंस बचा था तो वो BUSD के पेयर में मतलब BUSD में कन्वर्ट हो गया था। यहां पर आप देख सकते हैं, Vajrex कस्टमर हैव अंटिल सितंबर 23 टू विथड्रॉ देयर स्टेबल कॉइंस इफ दे डोंट वांट द फंड्स कन्वर्टेड। और अगर यहां पर जो कस्टमर्स है वो चाहते हैं कि यहां पर फंड्स को कन्वर्ट नहीं किया जाए BUSD में, तो उनके पास यहां पर 23 सितंबर का टाइम है, और अगर इस टाइमिंग में उन्होंने अपने फंड्स को विथड्रॉल कर लिया तो यहां पर उनका जो फंड है वो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। इससे पहले भी अगर हम देखें, यहां पर बाइनेंस के द्वारा काफी सारे कॉइन्स को डीलिस्ट किया गया, और अगर हम यहां पर बात करें Vajrex की, तो Vajrex किसे यहां पर डीलिस्ट कर रहा है, USDC, USDP और TUSD को यहां पर वो डीलिस्ट कर देगा, और यहां पर टिल 5 PM IST मतलब 23 सितंबर 5 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यहां पर जो डीलिस्टिंग है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर, जो साउथ कोरिया से जुड़ी और लूना के फाउंडर से जुड़ी हुई है। साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स से लूना फाउंडर डूकॉन इज ऑन द रन एंड नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। जहां पर ये खबरें निकल कर आ रही है कि लूना के जो फाउंडर है डूकॉन, वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए नजर नहीं आ रहे। यहां पर ये स्टेटमेंट आया हुआ है साउथ कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें यहां पर इनके लिए जो अरेस्ट वारंट है वो इश्यू कर दिया गया, उसके बाद इनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो यहां पर कहीं भाग नहीं रहे और वो यहां पर किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से वो यहां पर अभी तक अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका है, लेकिन ना तो सिंगापुर में प्रेजेंट नजर आ रहे हैं ना तो वो साउथ कोरिया में प्रेजेंट नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो यहां के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका ये कहना है कि वो यहां पर रन कर रहे हैं और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ में। और उसी के साथ यहां के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है इंटरपोल को कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें, और यहां पर जो टेरा के फाउंडर है डूकॉन उनके खिलाफ रेड नोटिस यहां पर जारी किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो और ज्यादा तेज हो और इन्हें पकड़ने में यहां पर आसानी हो। अगली अपडेट की अगर हम बात करें, जो यहां पर ब्रिटिश रेगुलेटर्स की लिस्ट से जुड़ी हुई है और FTX एक्सचेंज से जुड़ी हुई है, मतलब यहां पर जो ब्रिटिश रेगुलेटर है उन्होंने FTX एक्सचेंज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ, और इनका ये कहना है FTX क्रिप्टो एक्सचेंज एज अनऑथोराइज्ड फर्म। जहां पर ये कह रहे हैं कि जो FTX है वो एक प्रकार से अनऑथोराइज्ड फर्म है, मतलब उसने अभी तक जो ऑथोराइजेशन पॉलिसी है उसे यहां पर कंप्लीट नहीं किया हुआ है। और यहां पर ये काफी बड़ी अपडेट है अगर हम FTX की बात करें, क्योंकि FTX एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो ब्रिटिश रेगुलेटर्स की तरफ से देखने को मिला है। मतलब यहां पर इनकी जो टीम है फाइनेंशियल फर्म है उसको यहां पर जो कंडीशन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी रेगुलेटरी इश्यू यहां पर क्रिएट हो रहे हैं उन्हें यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर, जो सैमसंग से जुड़ी हुई है। इससे पहले अगर हम देखें, यहां पर एक बड़ी लिस्ट जारी हुई थी बड़ी बड़ी कंपनीज की जिन्होंने ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट किया था, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, और उसी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, सैमसंग नेम्ड मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्टार्टअप। जहां पर सैमसंग मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर बना हुआ है अगर हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बात करें, तो यहां पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर अच्छा खासा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कंपनी यहां पर ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रही है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, और अगर हम बात करें सितंबर 21 से लगाकर मिड जून 2022 की, तो इस बीच आप देख सकते हैं सैमसंग ने 13 से ज्यादा क्रिप्टो ब्लॉकचेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसी के साथ अगर हम इस बीच में बात करें, इस टाइम में बात करें, 40+ कोऑपरेशंस यहां पर देखने को मिले हैं, जिसमें काफी और कंपनीज भी आई है जिन्होंने यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में किया हुआ है, जिसमें गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है वो भी देखने को मिल रही है। और अगर हम यहां पर इन कोऑपरेशंस की बात करें, 40 कोऑपरेशंस में लगभग यहां पर $6 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिला है, और ये लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें अल्फाबेट है, ब्लैक रॉक है, मॉर्गन स्टैनली,
है, सैमसंग है, गोल्डमैन सैक्स है, पेपाल है, मतलब काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, जिनका अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो अच्छा खासा है। और उन्होंने यहाँ पर ब्लॉकचेन और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ, जिसका सीधा सा मीनिंग है कि आने वाले फ्यूचर में जिस प्रकार से ब्लॉकचेन का यूज़ होने वाला है, ब्लॉकचेन अगर ग्रोथ करेगा तो क्रिप्टो भी ग्रोथ करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका फ़ायदा जो होगा वो इन कंपनीज़ को देखने को मिलने वाला है। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार इनका जारी है, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें 2021 से लगाकर अगर आप 2022 के बीच में देखें, मिड टाइम है, तो यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन में गया, उसके बावजूद जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। मतलब आने वाले टाइम में जब मार्केट यहाँ पर बढ़ेगा तो इन कंपनीज़ को यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अभी की अगर हम बात करें, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, उसका एक रीज़न है कि यहाँ पर लगभग 24 आवर्स रिमेनिंग है, जो फेड का मीटिंग है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाली है, जेरोम पावेल के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पर हाई किया जा सकता है, एक्सपेक्टेशन है 75 बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है पूरे मार्केट पर अभी के समय में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सेफ तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अब हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।